अरे ऊपर ही सॉरी सर मैम लोग सेंटर वन सोलो मैम बेहतर आप बताएंगे आप बताइए आप नहीं आप बताइए आपको नाइस बता दिए फिर हम लोग बताएंगे जो हमारी फिल्म है ये मोक्ष टू माया जो फिल्म हमारी वो बच्चों पे आधारित है क्योंकि आजकल जो समाज में होते हैं स्थिति आती है कि बच्चे के साथ जो मतलब लोग करते हैं गलत गलत काम करते हैं और उसका क्या इफेक्ट आता है समाज पे इन्हीं चीज़ों पे आधारित है जिसपे हमारे प्रोड्यूसर है नीरज भारद्वाज श्वेता ठाकुर रमेश लाल रोहित और कृष्णा जी यह हमारे प्रोड्यूसर हैं इसमें विदिता जी ने बहुत अच्छा काम किया है यह हमारी हीरोइन है अब कुछ कमाल हो जाए शायद तो मतलब ऑडियंस को अगर पसंद आ गई तो कुछ कमाल हो ही जाएगा और ये मेघना जी हैं जो खुद में कमाल हैं तो ये दोनों की जो जोड़ी है वो कमाल है हाँ सबसे जो इसकी कहानी जो है वो कपिल जी की है कपिल कौशिक शर्मा जिन्होंने बहुत ही कमाल का मतलब एक सब्जेक्ट लिखा है जो मेरे हिसाब से अच्छा है बाकी तो दर्शक देखने के बाद बताएं ये देखिए कॉप में पहली बार इनैक्ट कर रही हूँ और एक बड़ा अच्छा सा अनुभव था जब वो वर्दी में अपने आप को देखा मुझे तो लगता है कि इफ़ माई पेरेंट्स वॉच द फिल्म उनको वो मुझे वर्दी में देखने का बड़ा शौक था जो जो अभी वो फिल्म तक सीमित रह गया है वो चाहते थे कि मैं एक पुलिस ऑफिसर बनूं बट एक अलग ही एक्सपीरियंस रहा टेलीविज़न में जो किरदार खेला वो एक अलग किस्म की दबंग महिला थी यहाँ पे जो एक पुलिस ऑफिसर है वो अच्छी चुस्त है चालाक है मैनिपुलेटिव है समझदार है और पर्सनालिटीज़ को समझने वाली है तो इसलिए वो विदिता जी का पीछा नहीं छोड़ती है फिल्म में और पर्सनल एक्सपीरियंस ये था कि शूटिंग के दौरान हम एक्चुअली थाने में शूट कर रहे थे और वहाँ से जो इंटरेक्शन हुआ पुलिस ऑफिसर से उनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ बातचीत हुई तो वो अपने आप को एक एनरिचिंग एक्सपीरियंस हो जाता है बट इट वाज आई रियली लव्ड बीइंग इन द यूनिफॉर्म बेसिकली मुझे बहुत खुशी हुई और आपने पुलिस वाले को भी मार दिया जो हाँ एक सीन में ऐसा था कि एक गुंडा किस्म का इंसान आता है पुलिस की गिरफ्त में है वो और वो मेरे सामने आ जाता है तो मैं उसको त-
तड़ाक खींच के थप्पड़ देती हूँ कि ये तूने क्यों किया। तो ऐसा होता हुआ जो आसपास के जो पुलिस ऑफिसर्स थे वो भी देख रहे थे और उन्होंने कहा कि मैडम बड़ा ज़बरदस्त चांटा लगाया इसको, तो दो और धर देते हैं आप लोग। तो वो इतने उसमें यू नो सीन में इतने इंगेज हो गए, मैंने कहा नहीं जी को एक्टर है ऐसे नहीं मार सकते हम। बट इट वॉज नाइस कि पूरा का पूरा जो थाना था वहाँ के जो लोग थे वो उसमें शामिल हो गए थे सीन में। करियर को लेकर नहीं, देखिए जिंदगी तो है ही उतार चढ़ाव, और जिंदगी में उतार चढ़ाव ना हो तो जिंदगी समझना भी मुश्किल है। चढ़ते ही जाएंगे तो कहीं ना कहीं फिसलना तो है ही। और ये है कि एक्टर की ज़िंदगी बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है। हर बार जब आप एक नई स्क्रीन प्ले से जुड़ते हैं, एक नए कथानक से जुड़ते हैं और एक नया किरदार खेलने को मिलता है, तो आप हर समय एक नई शुरुआत कर रहे होते हैं उसकी ज़िंदगी को ढूंढने की। तो हमें मैं कहूँगी कि एक बहुत ही खूबसूरत प्रोफेशन में है जहाँ आप अलग अलग किरदार की ज़िंदगी समझते हैं और उसकी शुरुआत से जीना शुरू करते हैं और अपनी कहानी कहते हैं। ऑडियंस का सेट पे डायरेक्टर का फीडबैक मैटर करता है। हाँ, बाद में फाइनल वर्डिक्ट तो ऑडियंस देगी। देखिए फिल्म को तो जो रूपरेखा होती है या उसका जो विजन होता है वो मेनली जो कैप्टन होता है वो हमारे डायरेक्टर होते हैं, क्योंकि हम जो एक्टर्स होते हैं वो अपना अपना हिस्सा कर रहे होते हैं। कई बार हमें पिछले सीन के बारे में नहीं मालूम होता और पूरी सीन को पूरी फिल्म को किस तरह से देख रहे हैं वो डायरेक्टर ही होता है। तो जैसा जैसा हमें डायरेक्टर बताते जाते हैं वैसा करते रहते हैं। और बाकी ये है कि जहाँ सीन्स में मैं विदिता के साथ में थी और मुझे इनके हिस्से का नहीं मालूम था, तो वहाँ विदिता वॉज कम्प्लीटली यू नो ग्रेट हेल्प कि भाई क्या क्या हो चुका है, कैसे हुआ है, क्या किया है, किस स्पेस में हुआ है। सो शी वॉज अमेजिंग एंड द वे शी वुड वर्क, आई वॉज सो हैप्पी दैट आई एम गेटिंग अ को एक्टर लाइक हर, बिकॉज you know she would also make those notes on the script and that's how we prepare. Madam aap trained actress hai, NSD se hai, nahi to mujhe kahi aisa nahi laga, badi hu yahi badi baat hai, mujhe nahi laga ki ye trained nahi hai. Maine Vidita ji ne bhi bahut kamal ka kaam kiya hai aur matlab ki puri film hi Vidita ji pe hai, wo hamari bahut achhi actress hai, bahut competitive bhi hai aur inhone bahut matlab ki kaam bhi kiya hai, कमाल का काम किया है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी है मेरी, जर्नी कैरेक्टर की जर्नी फ्रॉम द इनोसेंस टू अ स्मार्ट वुमन, स्मार्ट मैनिपुलेटिव, सो वो बहुत खूबसूरती से इन्होंने दर्शाया है फिल्म में। कपिल जी मैंने कहा कि आप डेडिकेटेड तो हैं, साथ ही यहां पे हम देख रहे हैं कि फिल्म के प्रमोशन के लिए भी जो है आप बीमार थे, लेकिन फिर भी यहां पर बीमार नहीं पैर तोड़वा लिया, अभी भी एक पैर पे खड़ी हूं। ये कैसे हुआ थोड़ा सा बताइए हमारी ऑडियंस को क्या हुआ। ये एक फिल्म के लिए मैं शूट कर रही थी दिल्ली में, वहाँ एक डांस सीक्वेंस था, वहाँ डांस करते करते मैं फिसल गई और पैर टूट गई। ये एक सस्पेंस थ्रिलर है इसलिए मैं बहुत ज़्यादा तो किरदार के बारे में नहीं बता सकती, क्योंकि अभी फिल्म आप लोग देख लेंगे आपको पता चल जाएगा। बट ये माया की जर्नी है, माया एक आम लड़की है, शुरू में तो लगता है आम लड़की है पर उसकी लाइफ में बहुत घटनाएं घटती है, उसकी लाइफ आसान नहीं है, उसके साथ बहुत क्या बोलूँ कोई कई सैड इंस्टेंसेस होते हैं उसके लाइफ में, और वो जहाँ रहती हैं वहाँ कई हादसे भी हो जाते हैं, कुछ सुइसाइड केसेस और कुछ मौत हो जाती है, तो उनका शक भी ये जो है माया पे आ जाती है। तो ये मैडम आती हैं वो केसेस की जांच पड़ताल करने, और धीरे धीरे एक के बाद एक जो है एक लेयर खुलता जाता है और पता चलता है कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। तो सस्पेंस थ्रिलर है। See, the thing is ki you will come across here the women in weaker moments, unki jo aas paas ki jo sthiti hai wo unko kuch kadam aise uthane par badhya kar deti hai ki jahan pe
वो एक तरह से कमज़ोर दिखाई देती हैं, पर उस कमज़ोरी ही वो अपनी स्ट्रेंथ बनाती जाती हैं। सो बेसिकली इट इज़ वो अपने कमज़ोरी से ही धीरे धीरे स्ट्रेंथ ढूंढ लेती हैं, स्ट्रेंथ लेती हैं और अपना रास्ता बनाती रहती हैं। तो बोथ ऑफ देम आर वेरी यू नो फोकस्ड एंड दे नेवर गिव अप। सो बेसिकली द मैसेज ऑफ इज नेवर गिविंग अप इन एनी सिचुएशन। एक्साइटेड तो जरूर हूँ बिकॉज ये मेरा फर्स्ट मेडन वेंचर है एंड आई एम रियली रियली वेरी हैप्पी एंड प्राउड दैट आई एम वर्किंग विद टू बिग सेलिब्रिटीज। आई वॉज ऑलवेज अ फैन ऑफ मेघना जी बट ऑब्वियस देन आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद हर एंड आई एम रियली इम्प्रेस विद द स्टोरी दैट कपिल जी ने लिखी हुई है एंड दे बोथ हैव एग्जीक्यूटेड वेरी वेल एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि ये पिक्चर और इनका एक्टिंग डेब्यू भी है, इन्होंने बहुत एक्टर भी कमाल की है। शर्मा आप क्या कहेंगे, आप कितने एक्साइटेड हैं इस फिल्म को लेकर? एक्साइटेड बिकॉज ये मैंने पहली बार कोई स्टोरी कोई बाहर कोई दूसरे प्रोजेक्ट लिए लिखी है एंड इट्स अ सस्पेंस मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर। सर आप थोड़ा यहाँ आ जाइए माइक, प्लीज। एक तो ये सस्पेंस मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर है और ये मैंने पहली बार ऐसा सस्पेंस मर्डर मिस्ट्री लिखी है तो आई एम वेरी मच एक्साइटेड अबाउट इट एंड इसमें दो बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर हैं विदिता एंड मेघना जी एंड यू विल सी एक बहुत ही एक खेल है इन दो लेडीज़ का जो बहुत ही इंटरेस्टिंग इट गोज अप एंड डाउन। आई थिंक यू विल एंजॉय इट। थैंक यू। अच्छा आप लोगों ने बोला कितने एक्साइटेड हो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मोक्ष टू माया के बारे में अब कहने की हिम्मत तो नहीं रखता हूँ लेकिन फिर भी कहता हूँ कि बस आप लोगों की दुआ आशीर्वाद रहे। एक फिल्म बनी है और मनोज सिंह जैसे टेक्नीशियन हमारे साथ हैं, श्वेता ठाकुर जैसे पार्टनर्स हैं हमारे प्रोड्यूसर्स और इन लोग जैसे कलाकार हैं तो अच्छी कोशिश की है। बस आप लोगों की दुआ चाहिए, ब्लेसिंग चाहिए कि आप लोग एक बार ज़रूर इस फिल्म को देखिए। फिल्म तो अच्छी बनी है, हालांकि सब लोग कहते हैं, हर प्रोड्यूसर्स कहते हैं कि हमारी फिल्म बहुत अच्छी है बहुत अच्छी है, लेकिन वाकई ये फिल्म अच्छी है। आप लोग अभी देखेंगे ही और बस आप लोगों से बस यही कंट्रीब्यूशन चाहता हूँ कि अपने ब्लेसिंग्स दीजिए, देखिए, दुआ करें, अच्छा चल जाए, फिर नेक्स्ट बार मौका दे पाएँ, यहाँ ना गिरूँ कि आगे ना बढ़ पाऊँ। थैंक यू। अरे कुछ भी नहीं है, सब ये लोग। ये हमारे रमेश जी हैं, रमेश जी कुछ बोलो। अब सारा इनके सहयोग से हुआ है जो रमेश जी हैं। अच्छा जो गया अरे अपनी मोक्ष है पूछेंगे तो बोलेंगे क्या बोलेंगे। अच्छा थैंक यू माइक हो जाएगा थोड़ा पूछेंगे जब जैसे हां सब पूछ चुके हैं। क्या फिल्म का एक्सपीरियंस बता दीजिए कल भैया। ये हमारे डीओपी है मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और काफ़ी एक्साइटेड हूँ और ये पूरी टीम का एफर्ट है कि आज हम लोग यहाँ खड़े हैं आप लोगों के बीच। हमारे प्रोड्यूसर, एक्टर, डायरेक्टर सब लोगों ने काफ़ी अच्छी मेहनत की और इसका जो आप नतीजा देख रहे हैं आज हम लोग आप लोगों के सामने खड़े हैं और आप लोग अपनी बेस्ट विशेष दीजिए हमें और फिल्म अच्छी चले और ऑल द बेस्ट टू ये सब मेरे को एक्टर्स हैं। वेरी मच
We are very much excited because this is a very fabulous movie, very well made movie by Mr. Manoj Singh, super talented director, and all the great kudos to all the producers, Mr. Neeraj Bhatwa, Mrs. Shweta Thakur, Mr. Ramesh Raj and Krishna, and all my co-artists who have acted very well in this movie, and they have all been myself, I'm playing a comedy character. Mr. Rahul Sinha has played a very good major character in this movie. Also, the main lead, Mr. Maitri, and Mr. Ramesh Raj, our producer. And she's Seema? Yeah. Yes. Hi, myself Rahul Sinha. बतौर अभिनेता इस फिल्म में मैंने बहुत ही अहम भूमिका निभाया है, जो कि टू शेड्स हैं इस मूवी में मेरे, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है. नेगेटिव जो है वो एकदम से नेगेटिव नहीं है, क्योंकि वो एक रिवेंजफुल नेगेटिव है जो कि विदिता के साथ काम करता है और उसी के आड़ में वो उनको हेल्प करता है. तो ये मूवी काफ़ी बहुत ही अच्छे लेवल पे बनी है और इट्स अ टीम वर्क. सबने बहुत साथ दिया है, सबने बहुत काम किया है. एंड ऑल द बेस्ट टू माय प्रोड्यूसर, एंटायर टीम एंड क्रू. आई होप कि जनता को पसंद आए, सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट. थैंक यू. माया माया ये है माया 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 माया. Everyone sing with me. Maya, 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 Maya. Yeh Maya, Maya, Maya. Thank you so much. And one more song also is coming. Rehbari, rehbari, hai teri rehbari. Rehbari, rehbari, hai teri rehbari. फिल्म जो है मोक्ष टू माया, इसमें मेरे हस्बैंड प्रोड्यूसर हैं, वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स. तीन चार प्रोड्यूसर्स हैं इसके, तो इसलिए मेरे घर की फिल्म है, तो डेफिनेटली मैं तो उसकी तारीफ करूंगी, लेकिन बाकी ऑडियंस बताएगी. अब बहुत अच्छा हो गया है कि पहले जैसे था कि सिर्फ स्टार्स ही चलते थे, तो अभी सब्जेक्ट चलता है. तो मेरे हिसाब से ये एक हीरोइन ओरिएंटेड सब्जेक्ट है. विदिता जी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और एक्टर्स ने भी अच्छा बहुत अच्छा काम किया है. सो मैं तो यही कहूँगी कि भगवान करे फिल्म चले, बाकी तो सब ऑडियंस पे. देखिए इस टाइम मैं, मेरे पास बहुत सी पंजाबी फिल्म्स हैं और अभी मैं चार फिल्में कंप्लीट करके आई हूँ. दो फिल्में अभी करने जा रही हूँ, एक लंदन में शूटिंग है. सो पंजाब में मेरा इस टाइम काफ़ी, मैं ज़्यादा टाइम पंजाब में या लंदन या अमेरिका इसी तरह से बाहर ही रहती हूँ. लेकिन जल्द ही मैं एक फिल्म डायरेक्ट करने जा रही हूँ, पंजाबी फिल्म. 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक उसकी शूटिंग हुई और मेरा बेटा उसमें लॉन्च हो रहा है, नानक. सो उसमें मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ आजकल. एक बार वो फिल्म कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद फिर मेरे को बहुत सीरियल्स की ऑफ़र है इस टाइम में टीवी के. लेकिन क्योंकि जब आप फिल्म करते हैं ना, तो सीरियल करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि आप 15-20 दिन के लिए आउटडोर रहते हैं. और अभी भी जैसे लंदन जाऊँगी तो 15 दिन के लिए जा रही हूँ. फिर सीरियल्स के लिए आप ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि सीरियल करेंगे तो आप फिल्में, जब मैं सीरियल्स कर रही थी मेरे पास 6 सीरियल थे, तो मैंने फिल्में कुछ 3-4 साल फिल्म ही नहीं की. लेकिन अभी मैंने रामू डिसूजा जी की फिल्म की स्ट्रीट डांसर हिंदी की वो की है, और मेरी अभी 2 फिल्में रिलीज़ पे हैं, किट्टी पार्टी और नौकर वाटीदा. तो ये फिल्में 2 रिलीज़ पे हैं. मैं डैडी कूल मुंडे फूल एक फ़िल्म करने के लिए जा रही हूँ लंदन, और एक और फिल्म है मेरी, उसका अभी नाम नहीं रखा, वो मैं कर रही हूँ. ओके मैम, अगर स्ट्रीट डांसर की बात करें तो स्ट्रीट डांसर में भी बहुत सारे न्यू न्यू टैलेंट्स देखने के लिए मिलेंगे, उनके साथ काम करने का कैसा है? मेरे सीज जो थे वो वरुण के साथ थे, तो वरुण के साथ जैसे आपको पता है मैंने जुड़वा 2 की, वरुण के डैडी डेविड जी के साथ तो मैंने पता नहीं कितनी कॉमेडी उनके साथ लोफर से स्टार्ट किया, बहुत फिल्में की. तो वरुण बहुत ही प्यारा इंसान है, अच्छा एक्टर तो है ही, बहुत टैलेंटेड है, उसमें तो कोई शक ही नहीं है, लेकिन बहुत बहुत अच्छा इंसान है दिल का. तो मेरा उनके साथ ज़्यादा काम था. और रेमो जी की मैं बात करूँ तो वो अपने एक्टर्स को ऐसा नहीं बांधते नहीं कि आपको मैंने ये लाइन दे दी तो आपको यही बोलना है.
तो मैं उसमें कॉमेडी कर रही थी डेफिनेटली, तो उसमें मैंने बहुत सारा इम्प्रोवाइज खुद किया और मुझे इतना पसंद आया, उन्होंने बोला उपासना जो लिखा है उसको रहने दो, तुमने जो कुछ इम्प्रोवाइज किया है वो बोलो, और वो बड़े अच्छे सीन्स आए हैं, मतलब मुझे करते हुए बहुत मज़ा आया, और डायरेक्टर अच्छे थे मेरे, दो एक्टर बहुत अच्छे थे, तो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। डांस बेस्ड फिल्म है तो फिल्म में सबसे अच्छा डांसर कौन लगा? डेफिनेटली श्रद्धा बहुत अच्छी डांसर है, वरुण बहुत अच्छे डांसर हैं, तो मैंने तो अभी तक सिर्फ शूटिंग में ही देखा है उनको, और मेरी जो बेटी का रोल करी थी वो थी सोनम बाजवा, जिसके साथ मैंने कैरी ऑन जट्टा पार्ट टू की, और अभी उसके साथ मैंने अड़ब मुटियारा एक फिल्म करके आई हूँ मैं, तो वो भी बहुत अच्छी डांसर है। बाकी को किसने डांस किया मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने अभी तक उसकी डबिंग तक नहीं किया है। और मैम कपिल शर्मा शो भी अब फिर से यू नो अपने पॉइंट पर चला गया है, एक अपनी जगह उसने फिर से बना लिए दोबारा, तो आप जाना चाहेंगे वापस कपिल शर्मा शो में? क्यों नहीं, अगर उन्होंने कभी भी मुझे बुलाया तो मैं डेफिनेटली जाऊंगी, क्योंकि मेरा फेवरेट शो है, और अभी भी मैं कहीं भी जाती हूँ तो लोग बोलते हैं आप कब आओगे कपिल शो में, तो ज़रूर आऊँगी, लेकिन अभी क्या है कि मैं खुद अपनी कुछ चीज़ों में ज़्यादा बिजी हूँ, तो ये मैं कुछ काम अपने निपटा लूँ, उसके बाद अगर उन्होंने मुझे बुलाया तो मेरा तो बहुत अच्छा संबंध है उन लोगों के साथ, वो एक्टर सारे मेरे फ्रेंड्स की तरह हैं, तो ज़रूर जाऊँगी। हेलो, हाँ तो अरे चाचा ने देख लिया तो बोल के ना कि इधर फैजान का वेट कर रहा हूँ मैं, उधर जावा नहीं रहा, ठीक है? हाँ मैं नीचे आ रहा हूँ, उसमें ख़त्म करके आ रहा हूँ, ठीक है? रुको बोल के ना, ऐसे मिलने आया था मैं उससे, ये मत बोला कि नहीं।